हे दोस्तों, मैं रणवीर वापस से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइफ पेट्स के एक और नए एपिसोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हयाचिंथ मकाओ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड है ये। ये बर्ड्स पृथ्वी में सिर्फ 6,500 बचे है। एक कैलकुलेशन के द्वारा कि सिर्फ 6,500 ही बचे है पूरे पृथ्वी में, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे महंगा मकाओ बर्ड है, जो कि उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है लगभग 18 लाख से। एक नॉर्मल क्वालिटी का छोटा मकाओ हयाचिंथ वाला स्टार्ट होता है 18 लाख से, और प्राइस डिपेंड कर सकता है बहुत रेंज तक, इंक्लूडिंग आप कहाँ से ले रहे हो और क्या उसके पेपर है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम उसकी डिटेल्स की बात करें तो ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर और येलो रिंग, आंखों के पास येलो रिंग और होठों के नीचे से एक येलो रिंग होता है, जो कि साइज में लगभग 100 सेंटीमीटर्स तक हो सकते हैं और केजी में 1.5 केजी टू 2 केजीज तक हो सकते हैं, कभी कभार 2.5 केजीज भी हो सकते हैं। इनकी अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 50 से लेकर 60 साल तक आराम से बच जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनकी मेन क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ये रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर रहते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप, मतलब थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर उनके लिए बहुत प्रेफरेबल है, ज़्यादा हॉट हो तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। तो अगर आप लो तो आप कोशिश करना कि उसके लिए थोड़ा बहुत कोल्ड क्लाइमेट रखो, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जान के रखो कि उनको थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेन फॉरेस्ट टाइप जगह में रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए रेन फॉरेस्ट टाइप एरियाज ही बहुत ही प्रेफरेबल है। अब बात करते हैं इनकी फूड की, तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है ब्राज़ील नट्स, और इनकी जो ब्रिक्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड। समटाइम्स इन बर्ड्स को क्या होती है कि अपनी बॉडी बाइट करने की हैबिट्स भी होती है, जिसके कारण ये लोग अपने पैर के स्किन या फिर अदर अपने फेदर्स को बाइट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको हार्ड हार्ड नट्स और कुछ चीज़ें दे दो खेलने के लिए तो ये उन चीज़ों को बाइट करेंगे। ये लोग कोकोनट्स खा सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं, आउटर शेल नहीं बट इजीली ब्रेक करके कोकोनट के शेल के अंदर से वो व्हाइटिश पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हार्ड नट्स वो आराम से ब्रेक करके खा सकते हैं, उनके होठ बने ही उस लिए है, उस कंडीशन के लिए। उसके अलावा उनकी मेन फूड पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स आराम से दे सकते हो। वेजिटेबल्स में कैरोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीन्स वगैरह आप दे सकते हो, एप्पल, बनाना, गुआवा वो सब आप दे सकते हो, सोक सीड्स आप देख सकते हो, बड़े बड़े सीड्स जो होते हैं लाइक सनफ्लावर सीड्स, समटाइम्स मिलेट वगैरह तो नहीं खाएंगे बट सनफ्लावर सीड्स वगैरह आप सोक करके दे सकते हो उनको। उसके साथ साथ अगर आप उनको केज में रखें तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि उनके लिए बड़ा केज हो, बहुत बड़ा केज होना चाहिए। अगर ब्रीडिंग पेयर के लिए रखें तो एक रूम नियर अबाउट मीडियम साइज का रूम उनके लिए बहुत प्रेफरेबल है, विथ लॉट्स ऑफ स्टेम्स, ताकि वो बैठ सके आराम से और उन चीज़ों को बाइट कर सके, ताकि उनकी बाइटिंग का हैबिट जो है वो पास आउट हो सके। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल छोटी जगह में रख रहे हो तो आप कोशिश करना टेम ही लो, क्योंकि आप बाहर निकल सको और थोड़ी देर के लिए अंदर रखो, और अंदर जब रखोगे तब भी बड़ा थोड़ा जगह हो, ज़्यादा छोटा जगह होता होगा तो ये लोग की हेल्थ में इश्यूज आ सकती है। और आप कोशिश करना कि इनको अगर आप एक नॉर्मल केज में रखते हो तो उनके आसपास केज में पेड़ पौधे ज़्यादा हो, क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड के ऊपर, जिसकी प्राइस 18 लाख से स्टार्ट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच।